मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों या नामों से कुछ नहीं होता, हौसलों से पहचान होती है। ये कहानी है पाकिस्तान के 27 साल के तेज गेंदबाज आमिर जमाल की। वो आमिर जमाल जिन्होंने डेब्यू टेस्ट मैच में पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के सामने जब 6 विकेट निकाले तो सारी दुनिया की निगाह इनकी तरफ चली गई। लोगों ने कहा यार ये कौन लड़का है, हम तो शाहीन शाफरीदी को देख रहे थे, उससे उम्मीद कर रहे थे कि वो पर्थ की तेज तर्रार वाली पिच पर कहर ढाएगा, बवाल काट देगा, मतलब चारों खाने ऑस्ट्रेलिया को चित कर देगा। लेकिन आमिर जमाल की कहानी जो है फिलहाल ट्रेंड में है और ये कहानी आपको इंस्पायर कर सकती है। एक लड़का जो अंडर 19 खेल कर आता है लेकिन उसके बाद उसकी होम टीम इस्लामाबाद उसे नहीं चुनती है। सर्वाइव करने के लिए वो लड़का जाकर गाड़ियां भी चलाता है, कैब ड्राइवर बन जाता है ताकि घर परिवार की जिंदगी चलती रहे और सपनों को पूरा करने के लिए थोड़े बहुत पैसे आते रहे ताकि हौसला न टूटे। विवाद जो था वो उनकी उम्र को लेकर था, उनके आईडी कार्ड को लेकर था, जैसी जानकारियां निकल कर आई हैं। लेकिन इन सारी नेगेटिविटी से बाहर निकलकर तमाम वर्षों तक तपस्या करके वो फिलहाल पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है। रिकॉर्ड 14th पाकिस्तानी प्लेयर जिसने डेब्यू में 5 विकेट निकाले, 6th पाकिस्तानी प्लेयर जिसने देश के बाहर 5 निकाले, 2nd पाकिस्तानी जिसने ऑस्ट्रेलिया में 5 विकेट लेना इतना आसान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ऐसी पिच पर जहां पर डेविड वार्नर जैसा बल्लेबाज जो है वो शाहीन शाफरीदी को मजाक बनाकर मार रहा था, मजाक बनाकर ही मारा ना, ताबड़तोड़ चौके छक्के मारे, हर तरफ घूम घूम के लेट लेट के छक्के मारे। एक ऐसी पिच जहां पर एक्सपीरियंस काम नहीं आ रहा, तो वहां पर एक नया लड़का जो डेब्यू करता है वो अपना कहर बरपाता है अपने पहले टेस्ट मैच में, और जिनके विकेट निकाले वो बड़े नाम है। ट्रेविस हेड, वो खिलाड़ी जिसने इंडिया के गेंदबाजों को परेशान किया था, वर्ल्ड कप हमसे जहां जीत लिया। डेविड वार्नर, बहुत बड़ा नाम। एलेक्स कैरी, टेस्ट क्रिकेट में शानदार हैं, WTC में उनकी पारी हमें नहीं भूलनी चाहिए। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस को हमने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए देखा है और कई सारे मैचेस में उन्हें हमने जमते हुए देखा है। हालांकि अब जब आमिर जमाल ने कमाल करते हुए धमाल मचाया है तो हर कोई क्रेडिट के पीछे आ गया। बहुत सारे बाबर आजम के फैन कह रहे हैं कि भैया पेशावर जलमी जो है उसके लिए खेल रहे थे और वहीं से इन्होंने बाबर आजम ने सब कुछ सिखा दिया। बहुत सारी बातें जो हैं वो निकल कर आ रही हैं, लेकिन मेरे जहन में ख्याल ही आता है कि जब सारी दुनिया की निगाहें शाहीन शाफरीदी पर थीं तब आमिर जमाल जो हैं वो आउट ऑफ द सिलेबस आ जाते हैं और ऐसा आते हैं कि हर कोई हैरान हो जाता है। हालांकि कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कुछ क्रिकेट खेली है पहले, ग्रिड क्रिकेट में, और वहां का जो एक्सपीरियंस था वो उनको काम आया, जिसकी वजह से फाइफर निकाले और अब वो फिलहाल स्पॉटलाइट पर है। हर किसी की निगाहें कि यार पाकिस्तान क्या कम, क्योंकि पाकिस्तान इस मैच से लगभग बाहर हो गया था। 448/6 थे और ऐसा लग रहा था कि शायद ये स्कोर कार्ड जो है ये शायद 500 के प्लस जाएगा, लेकिन सडनली विकेट गिरने शुरू होते हैं और 487 पर ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑल आउट हो जाती है। अभी भी पाकिस्तान इस मैच में काफी पीछे है, ऑस्ट्रेलिया अभी भी एज में मेरे हिसाब से, क्योंकि 132 पर 2 विकेट गिरे हैं और पाकिस्तान के पास बाबर आजम, साउथ शकील, सरफराज आगा, ये 4 बल्लेबाज हैं जो उनको मैच जिता या बचा सकते हैं, और अभी रन 350 से ऊपर चाहिए। कल फर्स्ट सेशन जो है वो बहुत मैटर करेगा कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज जो हैं वो किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, उनके पास मिचेल स्टार्क, जॉस हेजलवुड, पैट कमिंस, आपके मिचेल मार्श, निथन लायन, ट्रेविस हेड, सो स्पिन और तेज गेंदबाजी का अच्छा मिश्रण जो है उनके पास है। लेकिन आज का दिन जो था वो पूरी तरह से आमिर जमाल कमाल के नाम रहा और काफ़ी हद तक वो मिचेल मार्श के भी नाम रहा, क्योंकि 90 रन की उनकी जो पारी थी उसने ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी हाई कर दिया। फिलहाल एलेक्स कैरी और इनके आउट होने पर बहुत सारे रन तो नहीं बने, लेकिन जमाल की कहानी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग अच्छी लगी। हमें लगा आपको कहानी सुनाएं और आपको बताएं कि बाबू लगे रहो, जमे रहो, डटे रहो, ये दुनिया चाहे ना ये अगर आप यहाँ से क्लियर हैं तो फिर आप जिंदगी में कर लेते हैं। और आमिर जमाल की कहानी में ये कहानी है कि वो कर लेते हैं। अब पाकिस्तान कर पाएगी नहीं कर पाएगी, खैर फिलहाल पाकिस्तान जो है 132 रन बनाकर 2 विकेट पर खेल रहा है और अभी भी उसे 355 रन चाहिए। तीसरे दिन की सुबह जो है वो काफ़ी निर्भर करेगी कि जब स्टार्क, हेजलवुड या कमिंस गेंदबाजी करते हैं तो फिर कितना कहर वो भर पाते हैं और अर्ली विकेट्स क्या वो निकाल पाते हैं, नहीं निकाल पाते हैं।
खुर्रम शहजाद नाइट वॉचमैन के तौर पर आए थे और अपना काम जो है बखूबी कर कर गए हैं। 18 बॉलों में 7 रन बना गए। पाकिस्तान के पास अभी भी एक लंबी चौड़ी बैटिंग लाइनअप बाकी, जिसमें बाबर आजम, सऊद शकील, सरफराज अहमद, आगा सलमान और उसके बाद कई सारे ऑलराउंडर्स जो हैं वो भी उनकी टीम में हैं। हालांकि क्या वो इस पिच पर उतने ही असरदार होंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल ये मैच इंटरेस्टिंग है। अभी फिलहाल जो मैच है वो आप कह सकते हैं कि 55-45 पर चल रहा है। अभी भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है क्योंकि शान मसूद ने जो आखिर में विकेट दिया आई थिंक वो नुकसानदायक था। और शान मसूद को भी समझना पड़ेगा कि यार वो बहुत मैचेस ऐसे होते हैं जहां पर वो अच्छी शुरुआत करते हैं और उसके बाद अपना विकेट जो है गवा देते हैं, तो ये उनके लिए एक सीखने वाली बात है क्योंकि उनको भी बेहतर होना होगा। वो कप्तान हैं और कप्तान के तौर पर जिम्मेदारियां बड़ी आती हैं। लेकिन कल की निगाहें बाबर आजम पर होने वाली हैं, सरफराज अहमद पर होने वाली हैं और सामने से ऑस्ट्रेलिया की उस तिकड़ी गेंदबाजी पर जो दुनिया भर में सबसे खतरनाक मानी जाती है। लेट्स जस्ट सी क्या होता है, लेकिन फिलहाल ये मैच इंटरेस्टिंग है और कहानी भी इंटरेस्टिंग है उस लड़के की जिसने कैब ड्राइवर से शुरुआत करी और आज दुनिया भर में नाम कमा रहा है। सो हमारी तरफ से आमिर जमाल को कमाल के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं बताई।